स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बात करते हैं आज एक नए लेक्चर पे जिसका नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अभी तक हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लिया है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज इन दिस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज इंफ्रा रेड। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले, जैसे हमने देखा था किस केस में, रोडेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में, कि जब हम माइक्रोवेव रेडिएशन को किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, कौन सा मॉलिक्यूल होना चाहिए, वो मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट हो, तो जिस मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा अगर उस पर माइक्रोवेव रेडिएशन हो रहा था तो वो क्या कर रहा था, अपने एक एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। जब वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा था तो जब रोटेशन करेगा तो उसके पास एक एनर्जी डेवलप होगी और उस एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा था, लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप कर रहा था। ठीक है, अब सिमिलर केस होगा यहाँ पर कि जब एक इंफ्रारेड रेडिएशन इस मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेगा एंड द कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल इज, जब उसके ऊपर रेडिएशन पड़े तो उस मॉलिक्यूल को जब वो वाइब्रेट करे, मींस रेडिएशन पड़ेगा तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो जब वो वाइब्रेट करेगा तो उसका क्या होना चाहिए, डायपोल मूवमेंट में चेंज आना चाहिए, मींस इट हैज अ चेंज इन डायपोल मूवमेंट। तो जब वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और जैसे जैसे वो वाइब्रेट करता जाएगा उसकी क्या होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी वो अपने लोअर लेवल से कहां जाएगा, हायर लेवल्स में जाएगा, कौन, मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी जैसे जैसे वो रोटेशन करेगा, मतलब रोटेशन नहीं सॉरी वाइब्रेशन करेगा। ठीक है, तो इसको पहले हम एक इजी टर्म में समझते हैं एंड वी टेक अ केस ऑफ स्प्रिंग। किसका केस ले रहे हैं, स्प्रिंग का केस ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने एक नॉर्मल स्प्रिंग ले ली है, दिस इज अवर स्प्रिंग। ठीक है, ये मेरी क्या है, एक स्प्रिंग है। अब मैं देखता हूं और मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं और मैं अपनी स्प्रिंग को कंसीडर कर रहा हूं एज अ बॉन्ड। लेट सपोज आई हैव HCl, ये मेरा HCl है और ये बॉन्ड को मैं किसकी तरह कंसीडर कर रहा हूं, अभी यहां पर स्प्रिंग की तरह कंसीडर कर रहा हूं। जब मैं क्या करूंगा, इस स्प्रिंग को खींचूंगा, जब मैं स्प्रिंग को क्या करूंगा, खींचूंगा, स्ट्रेच करूंगा, तो स्ट्रेच करने के बाद उस बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड मतलब स्ट्रेच करने के बाद क्या होंगे, वो वाइब्रेट करेगी और जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा वो अपनी पोजीशन पे आएगी और धीरे धीरे क्या करेगी, वाइब्रेट करते हुए अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। या जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो भी क्या होगा, जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगा छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये फिर से अपनी वाइब्रेट करते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी। कुल मिलाकर के मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि जो इसकी ओरिजिनल है, मतलब जो बॉन्ड ये मेरा स्प्रिंग ओरिजिनल है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कभी मैं इसको खींच रहा हूँ, मींस इसकी एनर्जी को, जो इसकी एनर्जी है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, और जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तब भी मैं इसकी एनर्जी में क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको समझता हूँ बॉन्ड के टर्म में। तो ये जो मेरा बॉन्ड है, जब मैं इसको क्या करूंगा, जब मैं इस बॉन्ड लेंथ को, मतलब बॉन्ड को खींचूंगा, जब मैं बॉन्ड को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मींस बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, अगर मैं एक सिंपल भाषा में समझू तो बॉन्ड कहां पर फॉर्म होगा, जहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी जब, मतलब बॉन्डिंग भी हमारा चैप्टर नहीं है, फिर भी हम समझते हैं कि बॉन्ड क्या होता है, कि दो मॉलिक्यूल जब एक स्टेबल फॉर्म में आते हैं, सिंपल भाषा में अगर हम समझे, अभी हम यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक या कोई फिजिकल केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम समझ रहे हैं कि बॉन्ड जो है एक स्टेबल कंडीशन होती है, मतलब जो बॉन्ड फॉर्म हो गया इट मींस इट इज एन स्टेबल फॉर्म। तो अगर मैं उस बॉन्ड को खींच रहा हूँ, मतलब स्ट्रेच कर रहा हूँ, उसकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा हूँ, इट मींस आई एम डिस्टर्बिंग द एनर्जी, मैं उसकी एनर्जी को क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। या जब मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ, जब मैं दोनों आइटम्स को पास ला रहा हूँ, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरीके से उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मीन्स दैट आई एम चेंजिंग द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं उस मॉलिक्यूल में क्या ला रहा हूँ, एनर्जी में चेंज ला रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में चेंज ला रहा हूँ, उसकी बॉन्ड लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज ला रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, अगर इसी चेंज को देखते हुए मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, तो मेरे पास क्या है, यहाँ एनर्जी आ जाएगा और मेरा एक इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आएगी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब जहां पर वो ओरिजिनली लोकेटेड है, मींस लेट सपोज ये ओरिजिनली लोकेटेड यहां पर है और इसकी एनर्जी तब कितनी है, मिनिमम है, ये मैंने कंसीडर क्या कर लिया, मिनिमम। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने इसको जीरो क्यों नहीं कंसीडर किया है। ठीक है, ये आगे आने वाला एक ट्विस्ट है। तो जब मैं इसको खींचूंगा, जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, मीन्स बॉन्ड लेंथ को बढ़ा रहा हूँ, ये मेरा आरई है, ये मेरी बॉन्ड लेंथ है, जब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो मेरी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, और जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तब भी मेरी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगी। और ये है मेरा आइडियल केस, आई एम टेकिंग एज अ आइडियल केस। मैं यहां पर कैसी बात कर रहा हूँ,
आइडियल केस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं स्प्रिंग के साथ, तो जो मेरा फोर्स आएगा, फोर्स स्प्रिंग के केस में क्या होता है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, क्योंकि फोर्स एज अगर मैं हुक्स लॉ की बात करूं, हुक्स लॉ, तो फोर्स जो होता है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन लेंथ के, जितनी लेंथ में मैं क्या कर रहा हूं, चेंज ला रहा हूं। दिस इज अवर हुक्स लॉ, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस क्यों होता है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो फोर्स इक्वल टू क्या आता है, माइनस के एक्स, वेयर के इज अ फोर्स कॉन्स्टेंट और एक्स होता है चेंज इन मतलब डिस्टेंस में जितना चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको स्प्रिंग के उसमें लू मतलब बॉन्ड के उसमें, तो माइनस के आर माइनस आर ई क्यू, ठीक है। आर माइनस आर ई क्यू का मतलब यह है कि अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो मेरा ये आर हो जाएगा, अगर मैं इसको कम कर रहा हूं तो ये मेरा आर हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि ये मेरा ओरिजिनल डिस्टेंस है, अगर मैं बॉन्ड को खींच के यहां पर ले आया तो ये मेरी आर होगी, अगर मैंने बॉन्ड को खींच के इतना बड़ा कर दिया तो ये मेरा आर हो गया, ठीक है। तो दोनों केसेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस आर ई क्यू लिख सकता हूँ। अगर मैं इसकी एनर्जी निकालना चाहूं, इन ये मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू आपको चल रहे हैं अभी, ठीक है। हुक्स लॉ इज अ केस ऑफ अ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब जो चलती हुई आ रही है। तो ई एनर्जी नॉर्मली जो होती है हमारी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। जो मेरी एनर्जी होती है हुक्स स्प्रिंग की एनर्जी होती है इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। वाइब्रेशनल मोशन जब होता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स में उसकी एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको बॉन्ड के टर्म में लिखूं, ये मेरा स्प्रिंग का केस है, ये मेरा बॉन्ड का केस है, तो ये कितनी आ जाएगी, हाफ के एक्स इक्वल टू आर माइनस आर ई क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको क्या हुई, थोड़ा क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, मींस जितने भी हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने लास्ट रूम में देखा, हम किसको यूज कर रहे हैं, क्वांटम को, ठीक है। तो हम इसको किससे समझते हैं, थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स से समझते हैं। तो अब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिक क्वांटम मैकेनिक्स, अब हम यहाँ पर क्वांटम को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, ओमेगा ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इज 1/2 pi अंडर रूट के अपॉन म्यू इन हर्ट्ज। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मींस जो वाइब्रेशनल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जब ये बॉन्ड वाइब्रेट करेगा तो कितनी फ्रीक्वेंसी से करेगा, इतनी से करेगा, वेयर के इज अवर फोर्स कॉन्स्टेंट, के जो है हमारा वो क्या है, फोर्स कॉन्स्टेंट है, और म्यू इज अवर रिड्यूस्ड मास, म्यू क्या है हमारा, रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास हम रोटेशनल में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आपके लिए, इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, दिस इज अवर रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अब दिस इज अवर केस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी, अगर हमने निकाल दी तो फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा वाइब्रेशन क्वांटम मैकेनिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी आती है, तो एनर्जी जो हमारी एनर्जी निकल के आती है वो आती है न्यू बार न्यू प्लस हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन, दिस कम्स इन जूल, ये कार्य में आती है जूल में आती है। दिस इज अवर एनर्जी फॉर अ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मींस वाइब्रेशन मतलब जब हमारा क्या है मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। अगर मैं इसको सेंटीमीटर टर्म सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म्स में समझू तो इसको लिख देंगे न्यू बार, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/2 pi c अंडर रूट के बाय म्यू सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज अवर केस इन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मैं एनर्जी की किस एनर्जी का लू तो एनर्जी जो आ जाएगी वो आएगी न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज अवर केस ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स। और एक इसका है जूल का केस है, डिफरेंस कहां पर है, इसके ऊपर एक तो बार आ गया और ऊपर से एच कट गया। हमने सिंपली जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते थे, जब हमारा एनर्जी रोटेशनल में आता था हम उसको एच न्यू से डिवाइड करते थे, तो हमने यहाँ भी एच सी से डिवाइड कर देते थे, सिमिलरली हमने यहाँ भी एच सी से डिवाइड किया, तो जब ओमेगा अपॉन सी को हमने लिख दिया ओमेगा बार सी, ठीक है, ओमेगा बार आ गया इन सेंटीमीटर इनवर्स, क्लियर हो गया होगा इतना। दिस इज अवर केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, ये किसका केस होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है, मींस कि अभी जितना हमने ये पढ़ा है
हुक्स लॉ लिया है वो सारा किस क्वांटम मैकेनिकली हमने किसको फॉलो किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इतनी, एनर्जी कितनी होती है हमारी इतनी होती है, ठीक है, ये हमें पता है। अब हम उसको अप्लाई करेंगे हम अपना किसमें, इन वाइब्रेशनल, जो हमारा अभी तक हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं उसमें हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंसीडर किया है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो सिंपल हार्मोनिकली क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज अवर आइडियल कंडीशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। अब मैं निकालना चाहूंगा एनर्जी लेवल्स। अब मैं उसके से क्या फाइंड आउट करूंगा, इसके कुछ एनर्जी लेवल्स को करने वाला हूँ, फाइंड आउट करने वाला हूँ। तो अगर मैं इसके एनर्जी लेवल्स को फाइंड आउट करूं तो सबसे पहले मैं निकालूंगा E0, मेरा लोएस्ट ग्राउंड लेवल पे एनर्जी, वेयर आई, हाँ ये दिस इज अवर वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड द सिलेक्शन रूल। और इसके लिए क्या सिलेक्शन रूल है, जैसे मॉलिक्यूल के लिए सिलेक्शन रूल क्या है कि उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, चेंज इन डायपोल मूवमेंट होना चाहिए, मींस डायपोल मूवमेंट में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगर इस जैसे वहां पर क्या था, डेल्टा जे इक्वल टू प्लस माइनस वन था रोटेशनल के केस में, और वाइब्रेशनल के केस में भी आए तो डेल्टा म्यू इट इज प्लस माइनस वन। दिस इज अ सिलेक्शन रूल टू, दिस इज सिलेक्शन रूल फॉर द वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल। अगर कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज कितना है उसका, प्लस माइनस वन है, तो वो क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसका अलाउड ट्रांजिशन फॉलो करेगा, मींस वो अलाउड ट्रांजिशन होगा उसमें, ठीक है। तो अगर मैं ई बार इक्वल टू, अगर मैं यहां पर सबसे पहले न्यू बार की वैल्यू कितना रखता हूं, जीरो रखता हूं, इफ न्यू इक्वल टू जीरो तो यह जाएगा जीरो प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन दिस इन सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ओमेगा बार। मींस कि जो ग्राउंड स्टेट में जो लोएस्ट द मिनिमम एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, मींस जब वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा हम कैलकुलेट करेंगे तो जो लोएस्ट एनर्जी आती है एनर्जी लेवल्स की वो कितनी आती है, हाफ ओमेगा ऑसिलेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स, मींस दिस इज अवर जीरो पॉइंट एनर्जी। और इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोलते हैं। दिस इज अवर जीरो पॉइंट एनर्जी, हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन। अगर मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स में, अगर इसमें जूल के टर्म में लिखना था तो हाफ एच ओमेगा ऑसिलेशन जूल्स, तो दिस इज अवर जीरो पॉइंट एनर्जी। तभी मैंने लिखा था कि जब मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर मैंने इतना गैप क्यों दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें एनर्जी कभी भी जीरो नहीं आती है, ठीक है। क्यों नहीं आती है, बिकॉज जो आइडियली हमें कंसीडर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कुछ ना कुछ वाइब्रेशन कंटेन करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो इसकी ये कितनी होती है, इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं इसका ई1, ई1 मतलब वन प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, इट इज थ्री बाय टू ओमेगा बार। अगर ई2 निकालें, टू प्लस हाफ ओमेगा बार ऑसिलेशन, दिस विल कम्स इनटू फाइव बाय टू ओमेगा बार एंड दिस ऑल कम्स इन सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर मैं इसका एनर्जी लेवल्स को ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका क्या कराऊं एनर्जी लेवल डायग्राम को बनाऊं, तो दिस इज माय एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो पे तो इसका कुछ होगा नहीं, तो न्यू इक्वल टू जीरो पे कुछ नहीं आएगा, न्यू इक्वल टू वन पे गेस कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यू इक्वल टू वन पे कितना आ जाएगा, ये हाफ ओमेगा ऑसिलेशन, ठीक है, ये हाफ आ जाएगा। उसके बाद न्यू टू पे कितना आ जाएगा, न्यू इक्वल टू टू पे थ्री बाय टू ओमेगा ऑसिलेशन, उसके बाद न्यू थ्री दिस इज फाइव बाय टू एंड नेक्स्ट ले लेंगे तो आ जाएगा सेवन बाय टू। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूं मैं, डेल्टा ई कंसीडर, डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा ई कितना आ जाएगा, दिस इज दिस दिस माइनस दिस, बिकॉज दिस इज ऑल्सो दिस इज ओनली अलाउड ट्रांजिशन। ये सारे मेरे क्या होंगे, अलाउड, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी इक्वल टू कितना होता है प्लस माइनस वन, यही अलाउड है मेरे पास, तो यही अलाउड होगा। मैं यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। मीन दिस टू दिस इज नॉट अलाउड इन द केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, या मैं कहूँ जब मैं मॉलिक्यूल को कैसे कंसिडर कर रहा हूँ इन आइडियल केस में,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 - 1/2। सबसे पहला निकाल लेते हैं, ये कॉमन है इसमें ओमेगा बार, तो इट विल कम्स हाफ 3/2, दिस विल ओनली ओनली कम्स दिस वन, ये हो गया। अब दूसरा लेट सपोज, ये तो हो गया इस वाले का केस, ये कितना है मेरा ओमेगा बार है। अब नेक्स्ट निकालते हैं इसमें से इसको, तो इट इज ऑल्सो कम्स, ये भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि 5/2 - 3/2 सिंपली कम्स 1। नेक्स्ट 7/2 - 5/2, ये भी कितना आएगा मेरा 1। इट मींस जब हमने क्या देखा था, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का केस लिया था, जब हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे तब हमारा जो वैल्यू आई थी वो कितनी आ रही थी 2b, फिक्स वैल्यू थी, कॉन्स्टेंट वैल्यू थी, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज सेम। और यहाँ पर भी क्या आता है, जब हम प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी पढ़ते हैं तो उस केस में भी, तो जो एनर्जी गैप होता है उन दोनों के बीच में कितना आता है, ओमेगा बार ऑसिलेशन। ठीक है, मीन्स दिस इज दिस डिनोट्स ऑसिलेशन एंड ओमेगा बार इज अवर फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर्स, ये किसमें है, फ्रीक्वेंसी हमारी वेव नंबर्स में। ठीक है, मीन्स इन दोनों के बीच का जो स्पेक्ट्रल गैप है वो क्या मेरा आता है, सेम आता है। ठीक है, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कितना आता है, क्या आता है, तो ये हमारा क्या आता है, सेम आता है। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक है, तो ये था हमारा आइडियल केस, एक हमारा किस तरह का था, आइडियल केस था, और हम जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आइडियल नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा केस, अनहार्मोनिक ऑसिलेटर का केस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं हमारा, क्योंकि रियल मॉलिक्यूल्स क्या आते हैं इस वर्ल्ड में, मोस्टली कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जो रियल चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे हमने वो रोटेशनल केस में पढ़ा था, रोटेशनल केस में भी क्या था कि वहां पर कुछ ना कुछ डिस्टॉर्ट, वहां पर क्या था, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन आ रहा था, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ अनहार्मोनिसिटी का कांस्टेंट आएगा, जिसको हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।